हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और बारिश के मौसम में चाय के साथ पकोड़े खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। सभी को बहुत पसंद होते हैं और ख़ास करके आलू के पकोड़े तो बच्चे और बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आज हम ये क्रिस्पी फूले फूले आलू के पकोड़े बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। आलू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़े बाउल में एक कप बेसन लिया हुआ है। बेसन को छान कर ही लें। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। आधा चम्मच हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाला हुआ है। आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। एक पिंच हींग डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम पहले सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए विस्कर से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया हुआ है। ध्यान रखें जब भी इसका घोल तैयार करें तो इकट्ठे बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। इससे घोल में बहुत सारी गुठलियाँ आ जाती हैं जो बहुत ही मुश्किल से ख़त्म होती हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। तो ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। अभी ये घोल बहुत ज़्यादा थिक है तो हम इसे थोड़ा सा पतला करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अब जो हमारा घोल है वो काफ़ी परफेक्ट है। अब हम इसे एक विस्कर की सहायता से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे जिससे इसके अंदर एक अच्छी सी हवा भर जाएगी और फिर जो पकोड़े बनेंगे वो फूले फूले बनेंगे। तो अब हम इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैंने यहाँ पर आलू काट के तैयार कर ली हुई है। तो यहाँ हमने बड़े साइज़ की आलू ली थी जिसे हमने इस तरीके से स्लाइस में कट किया हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्लाइस बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखना है। मैंने इसे चाकू से काटा हुआ है। आप चाहें तो इसे किसी स्लाइसर वगैरह से भी काट सकते हैं। गैस में हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए तभी पकौड़े अच्छे से फूलेंगे। अब ये जो गरम तेल है, हम थोड़ा सा तेल लेके लगभग 2 चम्मच के तेल हम बैटर में डालेंगे और इससे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे जो पकौड़े बनते हैं वो अच्छे क्रिस्पी होते हैं। तो ये देखिए तेल को हमने बैटर में अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा घोल इसमें डाल के देखेंगे। अगर ये जो बैटर है तैर के ऊपर आ जाता है मतलब तेल हमारा एकदम परफेक्ट है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसका जो घोल तैयार करें वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपके पकौड़े होंगे वो फिर उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बहुत जल्दी नरम पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम आलू का एक स्लाइस लेंगे और इसे घोल में डिप करेंगे और कढ़ाई में जितने पकोड़े एक बार में आ जाते हैं उतने डाल दें। अभी हमने गैस का फ्लेम हाई रखा हुआ है क्योंकि पकोड़े जो हैं वो हाई फ्लेम में ही अच्छे से फूलते हैं। तो ये देखिए एक बार में इतने पकोड़े आ गए हैं तो मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। अब हम ऊपर से इसमें कलछी से हल्का सा ऑयल डालेंगे और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पकोड़े फूलना स्टार्ट हो गए हैं और मैंने इसमें सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अच्छे से बेसन को फेंट लें और जो टेम्परेचर हो वो अच्छा गर्म होना चाहिए। इस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी पकौड़े बिल्कुल ऐसे ही फूले फूले बनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पकौड़े बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। जब ये पकौड़े हल्के से एक साइड से पक जाएंगे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में इन्हें अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लिया हुआ है। तो ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हैं। तो अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे क्योंकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सब टिश्यू पेपर में सोख लेगा। और ये देखिए ये हमारा कितना अच्छा पकोड़ा बनके तैयार है। इसी तरीके से हमने सभी पकोड़े बना के तैयार कर लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पकोड़े बहुत अच्छे फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। सोडा डालने से क्या होता है कि पकोड़े बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप सोडा ना डालें बट आप थोड़ी सी मेहनत कर लें बेसन को फेंटने में। इससे आपके पकोड़े बहुत अच्छे क्रिस्पी फूले फूले बनेंगे। तो आप भी इसे इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आलू के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।